नमस्कार किसान भाइयों, आज हम टंडेड़ा गांव में हैं और इनके प्रधान जी के यहाँ पे आप देख सकते हैं बैलों की जोड़ रखी हुई है। इन्होंने बहुत शानदार बैल है, हमें चौंतरे पा गए इनके पास में। देखे कितनी जो है गर्म नस्ल है इनकी। एक बैल तो मुझे पहले ही चेतावनी दे रहा कि दूर ही रहना मेरे से। तो नमस्कार जी, ये कौन सी है जी नस्ल? ये नागौरी। अच्छा, नागौर के हैं। तो ये अब भी चल रहे हैं जी? हाँ, चला रहे, तंगे में चलाते हैं, हलवे भी चला रहे। अच्छा, हलवे भी चला रहे, बिल्कुल सही बात है, शौक की वजह से ही रख रखे। हाँ, नहीं तो आजकल तो खैर ज़्यादातर किसान नहीं रख पा रहे इन्हें, लेकिन इनका काफ़ी बड़ा काम है टंडेड़ा गांव में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इन्हें ढक करियो जी ज़रा से दूसरी माई को। चल, ये देखिए दोस्तों कितने अलर्ट हैं। चल कहते ही ये बिल्कुल बंदूक की गोली की तरह निकल गई एकदम। ये देखिए कितने, ये थोड़े से मिट्टी में हो रहे हैं दोस्तों, लेकिन आप देख सकते हैं इनकी कितने अच्छे पैर वैर, इनके सींग विंग कितने अच्छे हैं, नस्ल कितनी अच्छी है इनकी। ये बार बार हमें चेतावनी दे रहा बैल कि मेरे से दूर ही रहना। ये बैल थोड़ा मिट्ठा है, ये हमें इतना ज़्यादा वो नहीं कर रहा, लेकिन कर रहा है हल्का फुल्का सा ये भी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं नागौर की नस्ल इसीलिए पसंद की जाती है कि ये अलग ही तरह के वैरायटी है। और मैं आपको दिखाऊंगा जो इनके ओनर हैं, इनके जो फादर हैं, उनका एक फ़ोटो भी रखा हुआ है जो मैं दिखाऊंगा एक नई जोड़ के साथ में तंगे की। अभी इसमें वीडियो में जोड़ दूंगा। तो आप देख सकते हैं किसान भाइयों कितनी अच्छी नस्ल है बैलों की। चले चले चले, ये किसान भाइयों हाइट वगैरह। तो जी ये बैल तो अभी मुझे काफ़ी जवान लग रहा है जी। अच्छा चले, देखा आपने कितने शानदार बैल हैं। दीवार अच्छा जी, अच्छा मतलब जुड़े जुड़ाए छुट गए थे? नहीं, बदल लेते रास्ते में। अच्छा, रास्ते बदल रहे थे? बदल लेते। अच्छा, फिर छुट गए बाबू से? छुट गए। अच्छा, दो दिन वहाँ था। अच्छा, जंगलों में उतर गए? अरे अरे अरे, तो ये कहाँ की बात है जी, कहाँ छुट गए थे? ये चोरा वाला गांव पड़ता है हमारे पास में। अच्छा, वहाँ छुट गए। अच्छा, वहाँ छुट के भाग गए थे। तो ये फिर आपने पकड़े या किसी और ने पकड़ लिए थे? एक तो उन्होंने पकड़ लिया था, हमारे पास फोन आया था। अच्छा, 24 घंटे बाद कि ये बैल अनाउंसमेंट करा दिया जाएगा गांव में। बिल्कुल बिल्कुल, लग गया था कि उनके बैल छूट गए पहलवान। जी 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 जी, फिर वो उन्होंने फोन किया कि हमारे पास है कि बैल। हाँ, तो एक 24 घंटे बाद मिला था, 21 घंटे बाद मिला था। अच्छा चलो, बहुत अच्छी बात है जी, आपने भी अच्छी पैरवी करी और उन्होंने भी ध्यान रखा। देखा दोस्तों, ये ऐसे होते हैं, अगर कोई मेरा किसान भाई युवा है और आगे बैल रखना चाहता है तो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के जो है बैल रखें, क्योंकि बहुत ही फुर्तीले और बहुत ही चमकीले बैल होते हैं ये, तुरंत छुट के भाग जाते हैं। देखिए आप, ये कितनी फुर्ती है इस बैल के अंदर भी। हाँ, दोनों आ रहे, बढ़िया आ रहे। तो किसान भाई आप देख सकते हैं बिल्कुल बिजली सी फुर्ती है इनके अंदर। और मैं आपको अंदर फार्म हाउस दिखाता हूँ। देखिए किसान भाइयों, गेट कितना बड़ा लगाया है इन्होंने। कितनी चौड़ाई होगी जी इस गेट की? अच्छा किसान भाइयों, ये इन्होंने इसमें जो है कितना बीघा है जी? ये 4 बीघे खेत है जी। ये देखिए आप, इन्होंने इसमें सब्जी लगवाई हुई है, बैंगन है, भुट्टा है और केले भी हैं, और जो है बेल वगैरह भी काफ़ी हैं इसमें। देखिए किसान भाइयों कितनी अच्छी तरह से लगाया है। और यहाँ पर जो है इनके कुछ एम्प्लीमेंट्स वगैरह भी खड़े हैं, टंकी है इनकी दवाई के छिड़काव करने की। भुट्टा है, देख सकते हैं किसान भाई, कितने अच्छी तरह से इन्होंने बना के रखा। और इन्होंने एक फार्म हाउस पीछे भी बनाया हुआ है।